अरे गोल्ड फिश है वो। हाँ अरे पता नहीं है, बहुत सारे गोल्ड फिश है। अरे बहुत है, इतनी सारी है। अंदर देखिए वहाँ पे महाराज जी। पीछे सनराइज भी अच्छा दिख रहा है। उड़ती परी गाइस ये अपनी शूटिंग करा रहे हैं, मुझे स्पॉट बॉय की तरह दौड़ा रहे हैं। हे एवरीवन, आज हम योगग्राम आए हैं। यहाँ पे अंदर बाबा जी योगा करा रहे हैं, लाइव सेशन है उनका, तो हमें इनवाइट किया है। अंदर हैं तो यहाँ पे उनका स्टेज होता है, इतने सारे लोग हैं। ये आस्था पे लाइव आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो अंदर योगा चल रहा है। ये हमारी पहली लोकेशन है, इसके चारों तरफ झील है। ये इतनी अच्छी नहीं लगी हमें, नहीं है ना अच्छी, सही है दिखाओ। तो अब जाएंगे दूसरी लोकेशन पे। सो दिस इज नेक्स्ट लोकेशन। पीछे सनराइज भी अच्छा दिख रहा है। ये हेलीपैड है, ये पेड़ कितना अच्छा लग रहा है। हम आ चुके हैं, ये सुबह हक्के नहीं आए थे तो अभी ये हक्के आए हैं। देखिए इनकी शक्ल। हाँ गुरुकुल से आए हैं। एक मिनट भैया। तो गाइस इन दोनों को भगा दिया था देखते ही, उन्हें ये दोनों बहुत ही ज्यादा छपरी लगे। तो अभी हम लोग दूसरे लोकेशन की तरफ जा रहे हैं जो उससे भी अच्छा है। हम वापस उसी लोकेशन पर जान बची तो लाखों का है, लौट के मुद्दो घर को आए। तो गाइस उधर बोट्स भी है, आप पैडलिंग बोट्स ले सकते हो। इधर 25 रुपये 50 रुपये लगते हैं एक बोट के। अरे गोल्ड फिश है वो। हाँ अरे पता नहीं है, बहुत सारे गोल्ड फिश है। अरे बहुत है, इतनी सारी है गाइस। मैं आपको मछली आ रही है गाइस, बहुत सारी मछली है। गिर भी जाए तो क्या होगा, दूसरा आ जाएगा। हरिओम भाई दिला देंगे ना, पैसे की कमी थोड़ी है। एक तो दिला दिया, दूसरा भी मेरे पास 100 बीघे खेत है। वाइस क्लाइमेट क्या ही सही है। तो गाइस ये लोग ये लोकेशन के लिए जा रहे हैं, जरा देखते हैं ये लोकेशन कैसा है। कौन सा? हाँ पत्तों पे खड़े होके करते हैं ना, काफी अच्छी है। तो ये हमारी तीसरी लोकेशन है। देखिए ओए बंदर, उठा दो उन्हें भी, उठा दो। ये इतनी ड्रामा क्वीन। अरे फुल दिखाओ भाई,
दिखा फोन दो, कितना अच्छा रहा है। सो गाइस फाइनली एक अच्छी सी लोकेशन मिल गई है प्यारी सी।